कांवड़ियों में चले लाते घूसे, डीजे बजाने को लेकर मचा बवाल। उत्तर प्रदेश की बस्ती से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कांवड़ियों का ग्रुप किस तरह से सड़कों को जाम करके उत्पात मचा रहा है। कांवड़ यात्रा के नाम पर राहगीरों को घंटों घंटों परेशान होना पड़ रहा है। वहीं अगर हल्की सी ठोकर लग जाए तो संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में जरा भी संकोच नहीं करते उत्पात मचाने वाले। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें कहा जा रहा है कि डीजे बजाने को लेकर कांवड़ियों के ग्रुप आपस में भिड़ गए। कहा जा रहा है कि डीजे बजाने को लेकर कंपटीशन चल रहा था जिसने विवाद का रूप ले लिया। यूपी की बस्ती में कांवड़ यात्रा के दौरान सभी कांवड़ियों के बीच जमकर मारपीट हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बल्दी पटरा डंडे से दौड़ा दौड़ा कर एक दूसरे की पिटाई की गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर जनता ने धार्मिक यात्रा निकालने के नाम पर अन भक्तों को ट्रोल किया है। जनता ने इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कहा, कांवड़ियों की जमीनी हकीकत यही है कि ये सभी गरीब के बच्चे हैं, किसी नेता या फिर किसी अफसर के नहीं। इसलिए हम बार बार आप लोगों से निवेदन करते हैं, कृपया अपने बच्चों को इस झुंड से दूर रखें, उन्हें शिक्षित बनाएं। आपके बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए शिक्षा की जरूरत है, पाखंड की नहीं। एक यूजर लिखते हैं, नाक काट रखा है इन लोगों ने, अनभक्तों के बेचारे सुबह शाम अपने धर्म को डिफेंड करते रहते हैं और ये लोग सारे किए किराए पर पानी फेर देते हैं। एक और यूजर लिखते हैं, ये सब के सब गुंडे लफंगे और अपराधी हैं, ये सब कोई शिव भक्त नहीं है, कानून हाथ में लेने पर कायदे से कुटाई होनी चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, ये आस्था नहीं फैशन कर रहे हैं, अपने घर में माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं देते होंगे। एक और यूजर ने लिखा, इस यात्रा को वेद रूप दे देना चाहिए, इसके लिए इनसे कम से कम 500 रुपये लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर इनका प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए, इस नुकसान की भरपाई इन्हीं से करनी चाहिए। एक और यूजर लिखते हैं, किसी भाई की भावना आहत नहीं करनी चाहता, लेकिन क्या ये धार्मिक यात्रा है कि यात्रा पर ऐसे उपद्रव करते जाना सही है? यात्रा बचपन से हम देख रहे हैं, शाला सरधाम राजस्थान की, जिसमें लाखों श्रद्धालु पैदल जाते हैं, आज तक ऐसी खबरें नहीं सुनी कि कहीं मारपीट आगजनी तोड़फोड़ हुई हो। एक और यूजर ने लिखा, ये हुड़दंग करने वाले लोग हैं, इसमें कोई भी अच्छे घर के लोग नहीं है जो धर्म का चोला पहनकर जगह जगह बवाल करते हैं, सत्ता में बैठी सरकार इसका समर्थन करती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।